दुनिया भर के वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा ऐसे ग्रहों की तलाश में जुटे हैं जहां जीवन मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि ऐसे ग्रहों की संख्या एक दो नहीं बल्कि अरबों में हो सकती है तो यकीन करना मुश्किल होगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चक ब्रूक्स ने फोर्ब्स मैगजीन में यह समझाने की कोशिश की है। तमाम रिसर्च के हवाले से ये लिखते हैं कि न्यूजीलैंड में ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के खगोलविदों का मानना है कि अकेले हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में पृथ्वी जैसे लगभग 100 अरब ग्रहों की मौजूदगी हो सकती है। चक ब्रूक्स कहते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद 500 अरब से ज्यादा आकाशगंगाओं से गुणा की जाए तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 50,000 अरब ग्रह रहने योग्य हो सकते हैं। जाहिर तौर पर आप इस संख्या को नहीं पढ़ पा रहे होंगे। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार चक ब्रूक्स का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में पृथ्वी जैसे ग्रहों की संभावना से दूसरी दुनिया के जीवों यानी एलियंस के संपर्क में आने की संभावना गंभीर सोच बन जाती है। उन्होंने बताया कि नई पावरफुल दूरबीनों और अंतरिक्ष जांचों से मिले सबूत बताते हैं कि हमारे अपने सौर मंडल में पानी विचार से अधिक सामान्य है और जीवन के ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी प्रचुर मात्रा में है। ये तो थी संभावनाएं, लेकिन हमारे सौर मंडल के बाहर अब तक 5,000 से ज्यादा ग्रह खोजे जा चुके हैं जिन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ज्यादातर का रंग रूप और स्वभाव हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों से भिन्न है। पिछले साल जेम्स वेब टेलीस्कोप के काम शुरू करने के बाद से अब और ज्यादा ग्रहों की खोज संभव हो पाई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और कई तरह की अनूठी चीजें दिखाई देंगी। पृथ्वी पर जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां समेत कई वैज्ञानिकों ने नए घर की तलाश शुरू कर दी है। नए घर यानी एक ऐसे ग्रह की तलाश जो पृथ्वी जैसा हो और जहां जीवन संभव हो। इसी तलाश में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक नई खोज करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि हाल ही में नासा ने एक ऐसा ग्रह खोजा है जो दिखने में बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। नासा के मुताबिक ये ग्रह पृथ्वी से करीब 100 प्रकाश वर्ष दूर है और सौर मंडल में घूम रहा है। नासा ने इसे TOI-700E नाम दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 5% छोटा है। यह ग्रह दिखने में एक चट्टान जैसा है। नासा का मानना है कि अगर इस ग्रह पर जांच की जाए तो इसकी संभावना है कि यहां पानी मिल जाए। जाहिर सी बात है, अगर किसी ग्रह पर पानी मिल जाए तो वहां जीवन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस ग्रह के लक्षणों के आधार पर जो टीम इस रिसर्च का नेतृत्व कर रही है उसके अनुसार अब तक के तमाम रिसर्च और जानकारियों से इस बात की संभावना है कि ये ग्रह पृथ्वीवासियों के रहने योग्य हो सकता है। नासा ने इससे पहले भी 3 ग्रह ऐसे खोजे जो पृथ्वी जैसे दिखाई देते हैं। इन ग्रहों में पहला था TOI-700B, इसके बाद दूसरा TOI-700C और तीसरा TOI-700D। यही वजह है कि नए मिले चौथे ग्रह का नाम TOI-700E रखा गया है। इन सभी ग्रहों में TOI-700D को छोड़ दिया जाए तो सभी का आकार पृथ्वी से छोटा है। हालांकि TOI-700D पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। नासा ने नया ग्रह और उन पर जीवन की तलाश को लेकर 18 अप्रैल 2018 को ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट को लॉन्च कर एक नया अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के जरिए नासा अंतरिक्ष में नए ग्रह ढूंढ रहा है और उन पर जीवन की संभावना को तलाश रहा है। नासा की माने तो इस अभियान के चलते उसने सौर मंडल में कई ग्रह खोजे हैं। वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला है जिसका अस्तित्व तो उनके हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। वो अपने सितारे के बेहद नजदीक है और अंतरिक्ष में अब तक की सबसे चमकीली चीज है। वैज्ञानिकों ने इस अनूठे ग्रह की खोज का ऐलान किया है जो हमारे सौर मंडल के बाहर एक बेहद गर्म और अनोखा ग्रह है। नेपच्यून के आकार का यह ग्रह सूरज जैसे कई सितारे के इर्द गिर्द 19 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ग्रह टाइटेनियम और सिलिका के बादलों से लिपटा हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रह पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होता है। वैज्ञानिकों ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष में चक्कर लगाती CHEOPS दूरबीन से इसका अध्ययन किया है। चिली की डिएगो पोर्टालेस यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी यानी CATA में खगोलविद जेम्स जेनकिंस बताते हैं, यह अंतरिक्ष में टंगे एक विशाल शीशे जैसा है। इस खोज के बारे में शोध पत्र एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि इस ग्रह पर पड़ने वाला 80% प्रकाश परावर्तित हो जाता है, इसलिए यह अब तक ज्ञान ब्रह्मांड की सबसे परावर्तक चीज है। हमारे सौर मंडल में सबसे परावर्तक चीज का दर्जा शुक्र ग्रह को हासिल है, जो रात के आकाश में चांद के सबसे ज्यादा चमकीली चीज होती है। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है और अपने ऊपर पड़ने वाले 75% प्रकाश को परावर्तित करता है और पृथ्वी मात्र 30% प्रकाश को ही परावर्तित करती है।
नए ग्रह को वैज्ञानिकों ने LTT 9779B नाम दिया है। ये जिस सितारे का चक्कर लगाता है वो हमारी आकाश गंगा में पृथ्वी से 264 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 95 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। मुख्य शोधकर्ता सर्गियो ओअर फ्रांस की मार्स एस्ट्रोफिजिक्स लेबोरेटरी में काम करते हैं। वो कहते हैं, आज तक ऐसा कोई ग्रह नहीं खोजा गया है। एक ऐसा ग्रह जो सितारे के इतने करीब है और फिर भी उस पर वातावरण है। असल में तो इसका वजूद होना ही नहीं चाहिए। ये ग्रह अपने सितारे से इस तरह बंधा है जैसे चांद पृथ्वी से बंधा है, इसलिए एक ही तरफ हमेशा रोशन रहती है और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा रहता है। अब तक ऐसे जितने भी ग्रह खोजे गए हैं जो अपने सितारे का चक्कर लगाने में 24 घंटे से कम का समय लेते हैं, उन पर वातावरण मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में सौर मंडल के बाहर एक धरती के जैसे ग्रह की खोज की है। धरती से लगभग 12 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ये ग्रह एक तारे का चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि इस ग्रह में धरती की तरह चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। इस ग्रह का नाम है YZ-SETI-B, जिसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी 2.0 का नाम दिया है। सौरमंडल के बाहर तारे का चक्कर लगाने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि YZ-SETI-B से लगातार सिग्नल आ रहे हैं जो बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि इस ग्रह का धरती जैसा अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि वहां पर जीवन है। चुंबकीय क्षेत्र इस ग्रह को रहने योग्य बनाने वाला सबसे अहम कारक है। नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में YZ-SETI-B एक्सोप्लैनेट से संबंधित जानकारी प्रकाशित की गई है। खास बात यह है कि ऐसे करीब 65 ग्रहों को हाल ही में खोजा गया है। करीब 200 ग्रह पृथ्वी के जैसे हैं। एक्सोप्लैनेट में रॉस 508B का नाम भी शामिल है। इसे सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है। यह पृथ्वी से 37 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा के मुताबिक ये एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जिसका द्रव्यमान सूर्य का पांचवा हिस्सा है। इस तारे का नाम रेड ड्वार्फ है। यह हमारे सूर्य के मुकाबले काफी ज्यादा सुर्ख लाल रंग, ठंडा और मंद प्रकाश वाला है। सुपर अर्थ 50 लाख किलोमीटर की दूरी से इसकी परिक्रमा करता है। वहीं अपने सौर मंडल की बात करें तो पहला ग्रह बुध भी सूरज से 6 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। चूंकि रॉस 508B और रेड ड्वार्फ के बीच की दूरी काफी कम है, इसलिए एक्सोप्लैनेट को तारे की परिक्रमा करने में सिर्फ 10.8 दिन का वक्त ही लगता है। यानी यहाँ पर एक साल 11 दिन के बराबर है। पृथ्वी पर एक साल 365 दिन के बराबर होता है। अगस्त 2022 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर एक नया प्लैनेट खोजा, जिसका नाम TOI-1452B रखा गया। ये दो तारों की परिक्रमा करता है। कनाडा की मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में की गई इस खोज में पता चला है कि नया ग्रह पृथ्वी से 70% ज्यादा बड़ा और 5 गुना भारी है। यह धरती की तरह पथरीला भी है। खास बात यह है कि रिसर्चर्स को इस प्लैनेट पर गहरा समुद्र मिला, जिस वजह से इसे ओशियन प्लैनेट भी कहा जाने लगा। यहाँ पर मौजूद समुद्र इसके कुल द्रव्यमान का 30% है। तुलना के लिए धरती 70% पानी से बनी हुई है, लेकिन द्रव्यमान के नजरिए से यह हमारे ग्रह का केवल 1% है। रिसर्चर्स की माने तो एक्सोप्लैनेट अपने तारे से इतनी दूरी पर है जहां इसका तापमान ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा, इसलिए यहां पर लिक्विड वाटर मिलने की संभावना है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि प्लैनेट पर पानी की एक मोटी परत है। ऐसी ही परत बृहस्पति और शनि ग्रहों के चंद्रमा के ऊपर भी मिली है। अगस्त 2022 में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सौर मंडल के बाहर एक ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया था। खोजा ग्रह एक गैस जाइंट है और सूर्य के जैसे ही एक तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम WASP-39b है और यह पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बृहस्पति के बड़े भाई की तरह है। दोनों में अंतर यह है कि WASP-39b गैस के कारण बृहस्पति की तुलना में 30% ज्यादा फूला दिखाई देता है, जबकि इसका वजन बृहस्पति के वजन का 1/4 है। हालांकि इसका व्यास बृहस्पति से 1.3 गुना ज्यादा है। हबल और स्पिट्जर टेलीस्कोप ने WASP-39b के वायुमंडल में भाप, सोडियम और पोटेशियम को ढूंढ लिया था। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने CO2 की मौजूदगी का पता लगाया है। ऐसा वैज्ञानिकों को गैस के रंग को देखकर पता चला है। दरअसल गैस खास प्रकार के रंगों को सोखती है जिसमें हम उनका पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, भले ही अब तक हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रह ढूंढे जा चुके हैं जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे दिखते हैं और उनकी वातावरण काफी हद तक पृथ्वी जैसी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज के वैज्ञानिक किस ग्रह को इंसानों के लिए दूसरा घर मान रहे हैं, क्योंकि इन सभी ग्रहों में सबसे नजदीक है Proxima Centauri b।
और जो सबसे ज्यादा सिमिलर है हमारे अर्थ के वो है केपलर 452b। लेकिन इंसानों के लिए एक ऐसा स्टार सिस्टम भी है जो हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं, उसका नाम है ट्रैपिस्ट 1 सोलर सिस्टम। लेकिन दोस्तों, इन सभी चौंका देने वाले प्लैनेट्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से जान पाएं।